काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। 12वीं कक्षा के रिजल्ट के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से तैयार फॉर्मूले को दी स्वीकृति। अब 25 जुलाई तक जारी होगा 12वीं कक्षा का रिजल्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया साफ, हरियाणा में अदालत के फैसले के बाद ही पंचायती चुनाव पर लिया जाएगा कोई निर्णय। पंचायती चुनाव अगस्त में होने की चर्चाओं पर लगाया गया विराम। सनोली रोड पर भीमगोड़ा मंदिर के पास देर रात सड़क पर खड़े पानी के टैंकर में घुसी कार। हादसे में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासी इकलौते बेटे अखिल की दर्दनाक मौत, दोस्त गंभीर रूप से हुआ घायल। एनाफल में सहायक मैनेजर के घर का ताला तोड़कर चोरों ने सामान पर किया हाथ साफ। सेक्टर 29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की शुरू। पुलिस ने अहर अलूपुर सड़क पर बने वोटर सप्लाई भवन में जुआ खेलते गाँव अहर के ही 3 युवकों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। गाँव खोतपुरा में ससुर और पुत्र वधू को फोन पर एक युवक ने दी जान से मारने की धमकी। पोल कटी तो आरोपी युवक हाथ में तेजधार हथियार लेकर मारने के लिए पहुंचा उनके घर। परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी शिकायत। संभालका में 220 केवी के पावर हाउस से चोरों ने चुराया करीब 2,00,000 रुपए का सामान। नशीला पदार्थ सुंघाकर स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को मतलोडा थाना पुलिस लाइव प्रोडक्शन वारंट पर। सुबह के इस ताजा अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।